ड्राइवर साहब क्या हुआ? गाड़ी गिर गई। बाड़ी गिर गई गाड़ी पे से? हाँ। काई वजह से हुआ है? खड्डे की वजह से क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे थे? परभनी। परभनी जा रहे थे, कब हुआ है? अभी हुआ क्या? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। सलाम अलैकुम, अदाब, अजंता घाट की ब्रेकिंग न्यूज जो हम बताने वाले, तो हमसे बहुत से वीडियो अपलोड करे हमने घाट के रोड के बारे में भी, और रोड यहाँ तक डबल बने हुआ था और यहाँ कितना बड़ा खड्डा है, तो रोड वाले के जो कॉन्ट्रेक्टर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी खड्डे हो रहे अजंता घाट में, जो गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके के हादसे हो रहे, देखिए सामने, किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, पर इस पर ध्यान देना चाहिए। आपने जो रोड खराब है, अभी हाल ही में 6 महीने भी नहीं हुए रोड को बनने के लिए, तो यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो ये बताना चाहते हैं, वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, अजंता घाट की पूरे घाट की मुकम्मल जानकारी देने वाला ये वीडियो में, और ये हादसा किस तरीके से हादसा हुआ ये बताने वाले आपको, क्योंकि गाड़ी चलते वक्त बॉडी नीचे गिर गई और जो उसका जो गाड़ी का इंजन था आगे चल गया और बॉडी यहाँ नीचे गिर गई है। देखिए सामने गिरी हुई दिख रही है आपको, और गाड़ी का आगे का हिस्सा बताएंगे आपको। क्या नाम है भैया आपका? शेख शाहरुख। क्या कहाँ के? फरदाबाद। अच्छा, डेली आना जाना हुआ आपका घाट में तो? हाँ, डेली। क्या बोले, बोलना चाहेंगे रोड के बारे में? अब देखो वसीम भाई बोलो। तो देखिए, इससे पहले भी मिर्ची का गाड़ी जो पलटी हुई थी वो भी बताया थे हमने वीडियो में, वो भी जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ डबल, यहाँ तक डबल रोड बन गया और इस तरफ का सिंगल है, तो अभी डामर का काम इस वजह से रुके हुआ है, बारिश है, बारिश की वजह से डामर का काम रुके हुआ है, और यहाँ जल्द से जल्द इसका लेवलिंग करना चाहिए इसको, भाई को जो भी कॉन्ट्रैक्टदार है। ये देखिए सामने गाड़ी MH 13 2611, गाड़ी नंबर है AX। तो इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और गाड़ी वो टन में है, देखिए टन सीधा टन है। आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं, आप बहुत हिसाब से बड़े सोच समझ के चलना चाहिए। और ये जो नाली पानी, बारिश का पानी निकालने के लिए नाली बनी हुई है, देखिए, तो इससे भी थोड़ा रोड कम होगा और रोड की साइज कम होगी इसमें। ये देखिए सामने, डायरेक्ट सामने आती है बस भी, कोई भी गाड़ी हो। हम ड्राइवर से भी बात करेंगे, जो ड्राइवर से है, काकी गाड़ी है काकी नहीं, इससे बात करने वाले हम। तो यहाँ तक डबल बने हुआ है रोड और बारिश की वजह से रुक गया, पर यहाँ से जल्द रिपेयरिंग होना चाहिए, बहुत से हादसे हो रहे, आपने ध्यान देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टदार का काम है ये, ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातें के ध्यान देना चाहिए, छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी जो लापरवाही, जो कितना बड़ा हादसा होता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए आपने। कि यहाँ इससे पहले 2 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड करे, मिर्ची गाड़ी पलटी हुई थी। क्या नाम है आपका? सैयद इस्माइल। अच्छा, कैस क्या गाड़ी ऐसी आपके जो टूट गई गाड़ी? खड्डे की वजह से। तो आपको इतना बड़ा खड्डा दिखाई नहीं दिया? नहीं तो खड्डा है ना, वो कहाँ जा रही, इधर से गाड़ी थी सामने, इधर से गाड़ी थी। हाँ, तो खड्डे की वजह से वहाँ। अच्छा, तो कहाँ के आप? परभनी के। ये जलगांव जा रही थी क्या, औरंगाबाद जा रही थी? परभनी जा रहे थे, जलगांव से आए आप? परभनी जा रही थी। क्या माल है उसमें? वो एल्युमिनियम पट्टे आए। पट्टे आए क्या? तो ये देखो ड्राइवर, क्या नाम है आपका? इस्माइल भाई। हाँ। इस्माइल भाई की गाड़ी है। तो ये देखिए, तो ये गड्ढे की वजह से प्रॉब्लम हुआ, और ये गड्ढे जितने भी गड्ढे हैं घाट के अंदर, जो नया रोड बन रहा है तो उसमें गड्ढे बारिश की वजह से हो रहे हैं, बारिश की वजह से गड्ढे हो रहे हैं, और आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है। किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, पर आप किसी के जान का नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टदार रहेंगे या सरकार रहेंगे? इसका कमेंट में जवाब देना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही, गड्ढे, रोड अच्छा बने हुआ है पर गड्ढे, जहाँ गड्ढे हो रहे बारिश की वजह से, तो वहाँ आपने गड्ढे भरना चाहिए, ये आप ही की वजह से। देखो कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो इससे कॉन्ट्रैक्टदार की गलती मानूंगा, क्योंकि गड्ढों पे ध्यान नहीं दे रहा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया। आज से गड्ढा नहीं है कि आज ही हुआ, ये कम से कम डेढ़ महीने से गड्ढा है, जो इस पर देख ध्यान नहीं है, जो गड्ढा है, जहाँ गड्ढा है वहीं गाड़ी जो पलटी हो गई। तो बड़े हिसाब से, बड़े आराम से चलना चाहिए, टर्न भी देखना चाहिए। टर्निंग में थी क्या? कितनी स्पीड में थी फिर भी? दम से था। ये गाड़ी इधर आ गई, कहाँ तक आई थी तुम्हारी गाड़ी? जब बॉडी वहाँ गिर गई तो यहाँ तक कहाँ तक आई थी? दूर तक जगह पे क्या? नहीं, ये अपने गाड़ी लेके आपने चला के थोड़ा दूर तक है ना? तो ये देख, ये बाद में इस तरफ लाए, ट्रैफिक जाम नहीं होना करके। तो इसके ऊपर से जो गड्ढे की वजह से,
तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, बड़े अजंता घाट में आराम से चलना चाहिए, अपनी जान के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो खतरनाक टन है। मिर्ची की गाड़ी भी पलटी हुई थी, वो भी वीडियो अपलोड करे हमने अजंता न्यूज़ पे, देख सकते हैं। जितने भी वीडियो एक समाज सेवा चैनल है, आप ही के लिए हम वीडियो बनाते, तो मैं बार बार हर ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आराम से अजंता घाट तक आराम से चलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सामने गाड़ी आती है। यहाँ ये जो टर्न दिखाई दे रहा आपको, डायरेक्ट सामने आती गाड़ी, खतरे की जगह आराम से चलना चाहिए, अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो गाड़ी आई तो सामने से कुछ नहीं दिखाई देता, देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, हर ड्राइवर तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए मेरे भाई मिर्ची वाले, हर बस वाले, छोटी मोटी जो गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, सब हर ड्राइवर तक ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतने इस वीडियो को किसी की जान बचाना, एक वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अजंता घाट में बहुत बड़े बड़े हादसे होते रह रहे, तो इस पर ध्यान देना चाहिए आपने।